मेजा रोड के श्याम कली इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ता समागम समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता समागम समारोह की मुख्य अतिथि पूर्व विधायक नीलम उदयभान करवरिया रही। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक ने अबीर गुलाल लगाते हुए मौजूद लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के स्नेह प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मेजा का प्यार मेरे दिल में बसता है। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने संगठन मजबूती पर बल देते हुए कहा कि मेजा में पूर्व विधायक नीलम उदयभान करवरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता समागम समारोह का आयोजन बेहतर पहल है। वहीं विधायक श्रीमती नीलम करवरिया ने मेजावासियों को होली की बधाई दी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक अबीर गुलाल लगाकर एवं मिठाई खाकर होली शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में काहो मंगरू अबका करब, केकर केकर सोर ऊपर गाने पर कार्यकर्ताओं ने खूब ठुमके लगाए। इस अवसर पर क्षेत्र के सम्मानित लोग मौजूद रहे। तो इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। चलिए, किसी न किसी बहाने आप लोगों ने इतिहास बनाया। मैं सोचा कि मैं पुनः विधायक बनूंगी तो ये इतिहास रचे जाएगा। कोई बात नहीं, इतिहास तो रचा मेजा वालों ने, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, मैं चुनाव लड़ी, सभी लोगों ने मंच, पहले मैं मंच के माध्यम से कार्यक्रम मंच पर इस कार्यकर्ता समागम प्लस होली मिलन समारोह में हमारे साथ हमारे आदरणीय धनंजय पांडे जी भी हैं, जयशंकर चाचा हैं, विक्रमादित्य जी हैं, नाथू भैया हैं और भैया हैं, प्रमुख जी हैं, मांडा प्रमुख हैं, अमरेश जी हैं, हमारे मंडलाध्यक्ष दिया जा चुके हैं, मेजा है कामेश्वर जी हैं और हमारे सत्यपाल जी बैठे हुए हैं निषादराज से, पप्पू जी हैं, बहुत सारे सभी कार्यकर्ता मेरे जितने यहाँ बैठे मैं सबको जानती हूँ, चाहे सिरसा से हो, चाहे मांडा से हो, चाहे मेजा से हो, लेकिन सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, कोई ना कोई छूट जाएगा। तो मैं ये कहूँगी 75,000 अगर मुझे वोट मिला है तो आप लोग की ही वजह से मिला। मैं आप लोग को इसके लिए नेता से बधाई से दूंगी कि पिछली बार मुझे 67,000 वोट मिला, इस बार 75,000 मिला है, तो ये आप लोग की वजह से मिला है। और मुझे चुनाव हारने का सच बताऊं तो एक व्यक्ति गम नहीं, लेकिन चुनाव हराई गई हूँ इस बात का मन में हुआ, क्योंकि जब भी मन्ना भैया चले गए हैं मैं तो कहती हूँ कि पीठ से जुड़ा मत हो तो किसी से लड़ना है तो सामने से लड़ो, फिर कैसे लड़ा जाता है कि हम लोग बताएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, शायद हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग में से एक कमी हुई, हम लोग अपना गांव नहीं देखे, अपना दूध नहीं देखे, दूसरों के गांव झांकते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या करत बा, कैसे बा, कहाँ जात है, के संगे बा, हम सब लोग इसी में लगे रह गए, ये नहीं देखा कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमारे बूथ में क्या हो रहा है। शायद इसी का दुष्परिणाम है कि आज मैं भाजपा से यहां से विधायक नहीं हूं। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, ज्यादा कुछ नहीं कहने के लिए बचा है, 75,000 जनता जिसने मुझे वोट दिया है वो मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी, और सरकार भी अपनी है, कोई भी समस्या किसी भी तरह की आएगी तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ ढाल बन के हमेशा खड़ी रहूंगी। क्योंकि विधायक तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि पिछली बार तो आप लोग भ्रम में रह गए, जो टिकार्थी थे वो भ्रम पैदा करते रह गए कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमें टिकट मिलेगा, नीलम चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, उनको टिकट नहीं मिलेगा, और हम लोग इस भ्रम में फंसते चले गए, उनके जाल में उलझते चले गए और हम लोग सच में ध्यान नहीं दे पाए। तो आज मैं ये इस प्रांगण में आप लोग को बता के जा रही हूँ कि जब तक मैं हूँ
मैं भाजपा से यहीं से चुनाव लड़ूंगी। आप लोग अभी से 5 साल तक मेहनत करिए, अपने गांव में घुसिए, बूथ में घुसिए। 2027 में मैं पुनः आप लोगों के बीच में भाजपा से प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे आऊंगी और मैं आप लोगों के सहयोग से विधायक बनूंगी। आप लोग मेरा सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी से बैठने की जरूरत नहीं है। बाकी जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, सपोर्ट किया, जिन मैं आप लोग की रेडी नहीं, मैं तो कहती हूँ कि मैंने कभी राजनीति नहीं करी थी, मैं पहले से भी कहती आई हूँ। अब जाके थोड़ी सी परपक हुई थी राजनीति में तो आप लोगों ने बाहर ही निकाल दिया, तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा था क्षेत्र विकास होगा, सीख गई थी, सीखा नहीं था, राजनीति कभी की नहीं थी, धीमे धीमे सीखा। आप लोगों ने राजनीति सिखाई भी, लेकिन जब करने का मौका आया तो मैं कर नहीं पाई, इस बात का अफसोस है मुझे। जब क्षेत्र का विकास होना था, सरकार अपनी थी, आप लोग भ्रम में फंस गए, आप लोगों की बातों में आ गए, और जिसके लिए बहुत थोड़े से कम वोट होता, 1600 क्या होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत और कर लेते, अपने बूथ को देख लेते तो 1600 मुझे मिल जाता और वो चुनाव हार जाते। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है कि मैं चुनाव यहीं से लड़ूंगी, आप लोग के बीच में आती रहूंगी, आप लोग की जो भी समस्या होगी उसको मैं पूरा करूंगी, आप लोग मुझे फोन करते रहिएगा। लेकिन एक बात और भी है, जिसका काम हो, कोई किसी को लेके आए सोने पर सुहागा, लेकिन जिसका काम हो वो भी मेरे पास जरूर आए तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उसका काम कर रही हूँ, और मुझे भी पता रहेगा कि तालिया, 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 ताली, ताली। तो कि कुछ चीजें थी जो गलत कह दी। अभी एक लोगों का कि हम आपका जोहत रहे, आप नहीं आए हैं। हम क्या भैया, खत्म कर दो इस बात को, इस टॉपिक को खत्म करिए कि मैं नहीं आई, नहीं गई। मुझे तो लगता है मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लोग कहते हैं कि जितना आप आए उतना कोई नहीं आया। मैंने 4.5 साल आप लोगों को पूरा समय दिया, कोशिश करी मैंने सबके यहाँ पहुँचने की, सबको खुश करने की, जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने काम किया। लेकिन ये नहीं, निराश होने की किसी भी कार्यकर्ता को, मेरे कार्यकर्ता को जरूरत नहीं है निराश होने की। मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जैसे आप तक 5 साल थे वैसे ही अगले 5 साल तक रहेंगे। सरकार हमारी है, इस बात का कोई भ्रम न पाले, चाहे कोई अधिकारी होगा, जो भी होगा, उसका काम मैं कराऊंगी, कोई दूसरा नहीं कराएगा। इसलिए निराश होने की बात नहीं है, अभी से सबको लग जाना है, बस एक लक्ष्य 2027 एक आंख मछली की आंख देखना है, दूसरा नहीं देखना है, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, हारते हैं। मैं पहले भी कहती थी कि हम लोगों का क्या है, हम लोग के लिए नेता हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारे जीत अपने घर चले गए। मुझे सुनना किसको पड़ता है, कार्यकर्ता को सुनना पड़ता है। चलिए वो तो 24 होगा। फिलहाल मैं विधानसभा की तैयारी करूंगी 2027 में, और आप लोगों से निवेदन करूंगी कि एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सवेरे के साथ हम लोग फिर से पुनः इसमें लग जाएं और 2027 में फिर से यहां से कमल खिलाएं, जो लोगों के दिमाग में आ गया है। जब यहाँ कोई दूसरा नहीं होगा तो करके आप ही लोगों को दिखाना है, मुझे नहीं दिखाना है। टिकट लेके मैं आऊंगी, चुनाव आप लोग लड़ाएंगे, चुनाव आप लोग लड़ाएंगे, और आप लोग के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ज्यादा कुछ अब बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि सच बताऊं तो कहीं कहीं अफसोस भी होता है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। लेकिन कहीं कहीं आप लोग जब याद आती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ, तो ठीक है, 2027 में पुनः एक नई ऊर्जा के साथ। मैं बहुत बोलने की क्षमता नहीं है मेरे अंदर, मैं आप सबको फिर से पुनः एक बार प्रणाम करती हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। विधायक आपने बनाया, आगे भी विधायक बनाइएगा, आप सबकी इसी आशीर्वाद से आकांक्षी हूँ। जय हिंद, जय भारत, सबको प्रणाम। Oh, 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 oh
आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना है ईश्वर से। भाभी माँ हम Oh, 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 oh